शरत मडीवाला मर्डर केस। तारीख थी 4 जुलाई 2017। पिछले दिनों इलाके में घटी एक घटना की वजह से कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ा जिले के बटवल तालुक में धारा 144 लगी हुई थी, मगर प्रशासन की ओर से दी गई ढील के बीच दुकानें खुली थीं। हर दिन की तरह उस दिन भी पास के ही रहने वाले शरत मडीवाला अपने लॉन्ड्री शॉप पर आए थे, मगर हर रात की तरह शरत अपनी दुकान से वापस घर नहीं जा पाए, बल्कि उस रात उन्हें उनके दुकान से सीधे अस्पताल ले जाना पड़ा। और दुर्भाग्य से अस्पताल से जब घर पहुंचे तो कफन में लिपट कर पहुंचे। तो आखिर शरत मडीवाला के साथ क्या हुआ था, उनकी हत्या किसने की थी, हत्या की वजह क्या थी, इलाके में धारा 144 क्यों लगाया गया था, और इस पूरे मामले में पहले और बाद में क्या कुछ हुआ था, चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए सबसे पहले आपको शरत मडीवाला के बारे में बताते हैं। शरत मडीवाला कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ा जिले के बटवल तालुक के रहने वाले थे। ये क्षेत्र बटवल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है। इसी जिले के बीसी रोड पर शरत अपनी उदय लॉन्ड्री नाम की दुकान चलाया करते थे। इसके अलावा शरद आरएसएस के भी एक्टिव मेंबर थे और इलाके में एक सोशल वर्कर के तौर पर अपनी अलग पहचान रखते थे। सामाजिक व्यक्ति होने के नाते उनके चाहने वालों की संख्या भी बहुत ज्यादा थी। इलाके में इनके लोकप्रिय होने की एक वजह यह भी थी कि सुबह सुबह रोजाना शरद पास ही के मंदिर परिसर में आसपास के लोगों को मुफ्त में योगा सिखाते थे। इतना सब कुछ होते हुए भी विवादों से इनका कोई नाता नहीं था, वो सामान्य जीवन जी रहे थे और अपने परिवार की देखभाल कर रहे थे। हमेशा की तरह 4 जुलाई 2017 को भी शरत सुबह सुबह उठे और अपने रूटीन के मुताबिक पास के मंदिर चले गए, जहां उन्होंने लोगों को योगा सिखाया और कुछ देर बाद वापस घर आ गए। यहां उन्होंने घर में मौजूद गाय का दूध निकालने के बाद उसे डेयरी पहुंचाया और फिर तैयार होकर अपने लॉन्ड्री शॉप पर चले गए। दिन भर सब कुछ ठीक था और अब रात हो चली थी। आसपास के दुकानदार अपनी अपनी दुकानों का शटर बंद करने लगे थे। रात के 9:20 हो रहे थे, इसलिए शरत ने भी अब दिन भर का हिसाब किताब करने के बाद दुकान बंद करने का फैसला किया और घर जाने की तैयारी करने लगे। सब हिसाब करने के बाद वो अपनी दुकान से बाहर निकले और दुकान का शटर बंद करने लगे। अभी उन्होंने अपने दुकान का शटर पूरी तरीके से बंद भी नहीं किया था कि अचानक एक तेज रफ्तार से चलती हुई बाइक ठीक उनकी दुकान के सामने रुकी। उस बाइक पर 3 लोग सवार थे। शरत कुछ समझ पाते उससे पहले ही बाइक पर से 2 लोग उतरे और जैसे ही वो शरत के करीब पहुंचे, उन्होंने अपने पास छुपा कर लाए चाकुओं से शरत पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते शरत जमीन पर गिर गए। शरत पर इतनी बेरहमी से हमला किया गया था कि उन्हें मदद के लिए चिल्लाने तक का मौका नहीं मिला और जमीन पर गिरते ही वो बिल्कुल खामोश हो गए। क्योंकि रात हो रही थी और ज्यादातर दुकानदार अपनी दुकान बंद करके जा चुके थे और जो कुछ दुकानें खुली हुई भी थीं, तो वो दुकानदार ग्राहक ना होने की वजह से दुकान के अंदर ही बैठे थे, इसलिए उन्हें भी पता नहीं चला कि बाहर क्या चल रहा है। यहां तक कि शरत की दुकान के ठीक बगल में प्रवीण नाम के एक व्यक्ति की ग्रोसरी की दुकान थी, उन्हें भी खबर नहीं लग पाई कि शरत पर हमला हो रहा है। हालांकि तुरंत तेज गति से बाइक के रुकने और जाने पर प्रवीण को कुछ अजीब लगा और जब वो बाहर आए तो उन्होंने देखा कि शरत खून से लथपथ बेहोश जमीन पर पड़े हुए हैं। शरत की ये हालत देखकर प्रवीण ने अपनी दुकान से कुछ दूरी पर मौजूद दूसरे दुकानदार को मदद के लिए आवाज देना शुरू कर दिया। ये दूसरे दुकानदार मोहम्मद रऊफ थे। रऊफ की फल की दुकान शरत की दुकान से कुछ दूरी पर ही मौजूद थी। प्रवीण की आवाज सुनकर मोहम्मद रऊफ इस तरफ आए तो उन्होंने देखा कि शरत नीचे पड़े हुए हैं। रात होने की वजह से उस समय आसपास कोई गाड़ी भी नहीं दिखाई दे रही थी, इसलिए बिना कोई समय गंवाए रऊफ ने अपना वो ऑटो रिक्शा निकाला जिस पर वो मंडी से फल लाया करते थे। रऊफ और प्रवीण शरत को लेकर सीधे पास के सरकारी अस्पताल गए। वहां पर तत्काल इलाज शुरू किया गया। इस बीच शरत के परिवार वालों को भी घटना की जानकारी दी गई। वो लोग भी तुरंत अस्पताल पहुंच गए। चूंकि शरत की हालत ज्यादा गंभीर थी, इसलिए परिवार वालों ने शरत को सरकारी हॉस्पिटल से निकालकर दूसरे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाने का फैसला किया। इधर सुबह तक ये खबर पूरे बतवल तालुक में आग की तरह फैल गई कि आरएसएस के एक्टिव कार्यकर्ता शरत पर चाकू से हमला किया गया है। इस कारण लोगों ने विरोध प्रदर्शन करने शुरू कर दिए और जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग करनी शुरू कर दी।
लोग लगातार शरद के स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे थे, मगर 7 जुलाई 2017 को शरद जिंदगी की जंग हार गए और गहरे जख्म की वजह से उनकी मौत हो गई। मौत की खबर फैलते ही बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन होने लगे और पुलिस पर दबाव बनाया जाने लगा कि जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी और पुलिस ने शुरुआती जांच में ही पता लगा लिया कि इस हमले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI और SDPI यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के मेंबर का हाथ है। पुलिस ने तुरंत इससे जुड़े लोगों को उठाना शुरू कर दिया। इस पूरी घटना का मुख्य आरोपी 21 साल का मोहम्मद शरीफ को बनाया गया था। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद शरीफ ने ही शरद पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला किया था। पुलिस के मुताबिक इस हमले की प्लानिंग करने में तथा शरीफ को गाड़ी तथा अन्य चीजें उपलब्ध कराने में कई और लोगों ने मदद की थी, इसलिए पुलिस ने कुल 18 लोगों पर FIR दर्ज की थी। मामला दर्ज करने के कुछ ही दिनों के अंदर पुलिस ने लगभग 10 लोगों को उठा लिया था, लेकिन अब तक इस मामले के मुख्य आरोपी शरीफ को पुलिस नहीं पकड़ पाई थी, इसलिए पुलिस पर लगातार दबाव बन रहा था। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी में हो रही देरी की वजह से कर्नाटक की तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर भी ये आरोप लग रहे थे कि सरकार आरोपियों को बचाने का काम कर रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक यूनिट के बड़े नेताओं ने खुलेआम आरोप लगाना शुरू कर दिया था कि शरद पर यह हमला इस क्षेत्र के विधायक रामनाथ राय ने ही करवाया है। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार 23 अगस्त 2017 को पुलिस ने इस हमले के मुख्य आरोपी मोहम्मद शरीफ को गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मद शरीफ पटवाल के ही सजिपा मुन्नूर का रहने वाला था। यह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक्टिव मेंबर था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने तुरंत शरीफ को रिमांड पर लिया और फिर इससे सख्ती से पूछताछ शुरू की। पूछताछ में खुलासा हुआ कि शरद पर हमला करने वाला दूसरा व्यक्ति कलंदर शफी था, जिसे पुलिस अब तक नहीं पकड़ पाई थी, इसलिए अब पुलिस हमले के दूसरे आरोपी कलंदर शफी की तलाश में लग गई। पुलिस ने जब सख्ती से इस हमले के मुख्य आरोपी मोहम्मद शरीफ से पूछताछ शुरू की तो आखिरकार इस मामले के कारण का भी खुलासा हो गया। पुलिस के मुताबिक ये राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई में बदले की भावना से की गई हत्या थी। दरअसल कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ा जिले का बटवाल कॉन्स्टिट्युएंसी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर लगभग सभी पार्टियों की पकड़ बराबर ही है। यहां हिंदू आबादी के साथ साथ मुसलमानों की भी अच्छी खासी आबादी है। समय के साथ धार्मिक संगठनों की बढ़ती मौजूदगी और सक्रियता के साथ साथ यहां सांप्रदायिक मामलों में भी जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई। इस बात का सबसे बड़ा सबूत यह है कि यहां 2015 से जुलाई 2017 के बीच सांप्रदायिक घटनाओं के 129 मामले दर्ज किए गए थे। इनमें किसी एक पार्टी का कोई भी भारी योगदान नहीं था, बल्कि यह कहा जा सकता है कि सब बराबर के जिम्मेदार रहे थे। ये हम नहीं बल्कि सरकारी आंकड़े कह रहे हैं। जबरदस्त राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और वर्चस्व की वजह से यहां एक संगठन के कार्यकर्ता दूसरे संगठन के कार्यकर्ताओं पर अक्सर हमले करते रहते थे। ऐसा ही एक हमला 26 मई 2017 को मोहम्मद अशर, माशूक और जमाल नाम के 3 युवकों पर हुआ था। हालांकि इस मामले में इन तीनों की जान बच गई थी। इन 3 युवाओं पर हमला करने के आरोप में मिथुन पुजारी, यथीन और अमित को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसमें से तो मिथुन हत्या के मामले में बेल पर बाहर था। इस हमले के बाद इलाके में फिर से तनाव काफी बढ़ गया। फिर से जबरदस्त सांप्रदायिक घटना की आशंकाएं जताई जाने लगीं। इसी के बाद हालात को देखते हुए 26 मई 2017 को ही पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई। पुलिस की सख्ती काफी बढ़ चुकी थी। इसके बावजूद एक संगठन के कार्यकर्ता दूसरे संगठन के कार्यकर्ताओं पर हमले की फिराक में रहते थे। इसी तनाव के बीच 21 जून 2017 को मोहम्मद अशरफ कलई नाम के एक युवक की हत्या हो जाती है। अशरफ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के अमुंजे जोनल यूनिट के प्रेसिडेंट थे। SDPI के साथ जुड़े होने के साथ साथ अशरफ इसी क्षेत्र के सीनप्पा पुजारी नाम के एक बीड़ी मेकर के यहाँ काम भी किया करते थे। क्योंकि सीनप्पा पुजारी दिव्यांग थे, इसलिए अशरफ ही उनके ज्यादातर काम किया करते थे। 21 जून 2017 को अशरफ इसी सीनप्पा पुजारी के साथ एक जगह माल की डिलीवरी के लिए गया हुआ था। इधर ऑटो में सीनप्पा अशरफ का इंतजार कर रहे थे, तभी सीनप्पा ने देखा कि गली से अशरफ दौड़े हुए चले आ रहे हैं। उनके पीछे लोगों की एक भीड़ थी जो अशरफ का पीछा कर रही थी। कुछ ही देर बाद उस भीड़ ने अशरफ को पकड़ लिया और अशरफ की हत्या कर दी गई। अशरफ की हत्या के आरोप में बाद में पुलिस ने विभिन्न संगठनों से जुड़े 5 युवकों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने पवन कुमार, संतोष कुमार,
शिव प्रसाद, रंजीत और अभिन्न राय को अशरफ की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ये सभी बटवाल तालुक के ही रहने वाले थे। शरद मडिवाला की हत्या के आरोप में जब शरीफ समेत 10 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया तो पूछताछ में खुलासा हुआ कि दरअसल शरद मडिवाला की हत्या 21 जून 2017 को हुई अशरफ की हत्या का ही बदला था। भले ही शरद मडिवाला के हत्यारे इसे अशरफ की हत्या का बदला बता रहे हों, लेकिन सच तो ये है कि अशरफ की हत्या में शरद का कोई हाथ नहीं था और वो कहीं से भी किसी भी पॉलिटिकल मर्डर में शामिल नहीं पाए गए थे। उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, फिर भी शरद को ऐसे गुनाह की सजा मिली जो गुनाह उन्होंने कभी किया ही नहीं था। खैर, पुलिस ने शरद की हत्या के आरोप में कुल 18 लोगों पर FIR दर्ज की थी। इनमें से पुलिस ने सभी 17 लोगों को गिरफ्तार करते हुए सलाखों के पीछे भेज दिया। हालांकि इस मामले के दूसरे मुख्य आरोपी सिकंदर शफी को पुलिस अब तक नहीं पकड़ पाई थी। पुलिस सिकंदर को पकड़ने के लिए लगातार इधर उधर छापेमारी कर रही थी, लेकिन पुलिस के हाथ हमेशा असफलता ही लगी। आखिर में खुलासा हुआ कि शरद की हत्या करने के बाद सिकंदर रातों रात विदेश भाग गया था, जहां से वो अब तक नहीं लौटा है। इस कारण पुलिस अब तक सिकंदर शफी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। वैसे पुलिस ने शरद की हत्या के आरोप में जिन 17 लोगों को गिरफ्तार किया उनके साथ जो कुछ भी हुआ उसे सुनकर यकीनन आपको अच्छा नहीं लगेगा। सभी आरोपियों पर हत्याओं की धारा समेत कई गंभीर धाराएं लगाई गई थीं। उम्मीद की जा रही थी कि आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी ताकि समाज में एक संदेश जाए और इस तरह की हत्याएं बंद हों। लेकिन उम्मीद से उलट इस हमले के मुख्य आरोपी मोहम्मद शरीफ को गिरफ्तारी के लगभग 10 महीने बाद ही कर्नाटक हाई कोर्ट से बेल मिल गई। बेल पिटीशन की सुनवाई जस्टिस जॉन माइकल डिगुन्हा कर रहे थे। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि इस केस में गवाहों के बयान शरद की हत्या के 10 दिनों बाद दर्ज की गई थी और पुलिस ने जो भी सबूत जुटाए थे वो पर्याप्त नहीं थे। इतना ही नहीं, शरद मडिवाला मर्डर केस के मुख्य आरोपी के अलावा अन्य 15 आरोपियों को भी धीरे धीरे बेल मिलती चली गई और आज सभी सलाखों के बाहर आजाद घूम रहे हैं, जबकि शरद का परिवार जवान बेटे के जाने के गम में आज भी तिल तिल कर मर रहा है। पुलिस ने इस पूरे मामले में 3 लोगों को आरोपी बनाते हुए चार्जशीट फाइल की थी, लेकिन शरद के पिता तनियप्पा मडिवाला के मुताबिक पुलिस उन 3 आरोपी के खिलाफ भी पर्याप्त सबूत ढंग से पेश नहीं कर पाई। इस कारण केस काफी कमजोर हो गया। शरद के परिवार का यह भी मानना है कि हत्या की साजिश में शामिल काफी लोगों को यूं ही छोड़ दिया गया। शरद के पिता कभी भी पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं हुए। यही वजह थी कि 2018 कर्नाटक चुनाव के समय जब भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह चुनाव प्रचार के लिए कर्नाटक गए थे तो उन्होंने भी शरद मडिवाला के पिता तनियप्पा मडिवाला से उनके घर जाकर मुलाकात की थी। इस मौके पर तनियप्पा मडिवाला ने अमित शाह से इस मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी से करवाने की अपील भी की थी। शरद के पिता ये भी आरोप लगाते हैं कि चुनावी मौसम में उनके बेटे के नाम पर खूब राजनीति हुई और फायदा भी उठाया गया, लेकिन तब भी उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाया। हाल के समय में इस तरह की हत्याओं की बात करें तो इसी क्षेत्र में 2022 के जुलाई महीने में 10 दिन के भीतर भीतर इस तरह की 3 हत्याएं हुई हैं। सबसे पहले 21 जुलाई 2022 को बेलारे के रहने वाले 18 साल के मसूद की हत्या कर दी गई। हत्या का कारण ये था कि किसी बात को लेकर मसूद की कहासुनी यहीं के रहने वाले सुधीर नाम के लड़के से हो गई। थोड़ी बहुत कहासुनी के बाद मसूद वापस अपने घर आ गया। थोड़ी देर बाद सुधीर ने मसूद को पास के मंदिर में ये कहते हुए बुलावा भेजा कि वो झगड़े को रफा दफा करना चाहता है। ये सुनकर मसूद भी वहां जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन जैसे ही मसूद मंदिर पहुंचा वहां 8 से 10 की संख्या में मौजूद सुधीर के दोस्तों ने मसूद की हत्या कर दी। 21 जुलाई को हुई मसूद की हत्या के बाद इलाके में एक बार फिर से तनाव बढ़ गया और पुलिस ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए धार्मिक संगठनों से जुड़े लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की थी। इसी तनाव के बीच 26 जुलाई की रात बेलारे में ही प्रवीण निटारू नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। प्रवीण की हत्या उनके ही चिकन शॉप के सामने कर दी गई थी। प्रवीण युवा मोर्चा के नेता थे। पुलिस की शुरुआती जांच में ही साफ हो गया कि प्रवीण की हत्या मसूद की हत्या के बदले के रूप में की गई थी। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। हत्या के बदले हत्या का दौर यही नहीं थमा, बल्कि प्रवीण निटारू की हत्या के ठीक 2 दिनों बाद यानी 28 जुलाई को दक्षिण कन्नड़ा जिले के सूरतकल टाउन में 23 वर्षीय मोहम्मद फाजिल नाम के युवक की
बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। फाजिल पर 4 से 5 लोगों ने चाकुओं से हमला किया था। चारों ने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने धार्मिक संगठनों से जुड़े 21 लोगों को पूछताछ के लिए उठाया था, जिसमें से 6 लोगों को बाद में फाजिल की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। कुल मिलाकर कहें तो कर्नाटक में जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, उसका कोई अंत नजर नहीं आता है। हालांकि इसे रोकना असंभव नहीं है। अगर धर्म की राजनीति बंद हो तो फिर ऐसी घटनाएं भी रुक सकती हैं। यहां हम सबको महात्मा गांधी के इस कथन को भी याद रखना चाहिए, आंख के बदले आंख का सिद्धांत सारी दुनिया को अंधा कर देगा। समय की मांग है कि हम सभी इस कथन को ना सिर्फ समझें बल्कि असल में भी लाएं, वरना ना जाने कितने शरद और फाजिल के पिता अपने जवान बेटे की लाश पर बेबसी के आंसू बहाते रहेंगे और कुछ लोग इन लाशों पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहेंगे। इस कामना के साथ कि देश में हर तरफ शांति और तरक्की हो, आपसे इस वीडियो में विदा लेते हैं। मिलते हैं जल्द ही क्राइम की दुनिया से जुड़ी एक और हैरान कर देने वाली सच्ची कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, और हाँ, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।